सो फ्रेंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और फ्रेंड जैसे कि मैं बता दूं, आज मैं आपके साथ काफी टेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं और फ्रेंड आज आपको काफी मजेदार वीडियो हमारे ब्लॉग में मिलेगी। तो फ्रेंड आप अंत तक बने रहे ब्लॉग में। और आपको आज मैं दिखाने वाला हूँ ये जो हमारे राउरकेला में एयरपोर्ट जो बनी थी, तो हमारे एयरपोर्ट का फर्स्ट यहाँ से इनॉग्रल जो फ्लाइट चली थी वो ट्रायल रन हुआ था हमारे एयरपोर्ट में 7 जनवरी को। तो 7 जनवरी को हमारे राउरकेला में पहली फ्लाइट आई थी और उस समय क्या था, वर्ल्ड कप होना था। उस समय आपको काफी सारी फ्लाइट दिख रही थी, एक दिन में आपको नहीं कुछ तो 7-8-10 फ्लाइट तक आती थी राउरकेला के आसमान में। खाली फ्लाइट की आपको घर घूर सुनेंगे, इतनी आवाज इंजन की सुनने को मिलती थी। आज ये आलम हो गई है राउरकेला एयरपोर्ट की, जो आपको एक फ्लाइट दिखेगी जो कि फ्लाइट आपको भुवनेश्वर जाती है, वो 2-2:30 बजे के आसपास में फ्लाइट है। मैं 2-3 बार उससे गया हूँ। और एक फ्लाइट है आपको कलकत्ता कनेक्टिंग फ्लाइट है जो कि उसे जाने में 4 घंटे तो समय लगता है। देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू राउरकेला। तो ये हमारे एयरपोर्ट के पास अभी मैं पहुंच गया हूँ, राउरकेला एयरपोर्ट। तो आपको भी दिखा रहा हूँ एयरपोर्ट, तो आप फ्रेंड देख सकते हो। तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ पे एक एयरपोर्ट के पास रेस्टोरेंट भी, इसका नाम है एरिया 51। तो ये आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। तो ये अभी बंद हो चुकी है, इसका वीडियो मैं कल आपको हो सकता है तो बना के दिखाऊंगा। ये जो एयरपोर्ट है छोटी सी एयरपोर्ट है और वही जो मैं अभी बताया आपको कनेक्टिविटी होनी चाहिए फ्लाइट की। और एक चीज़, राउरकेला से देवघर हो जाए तो और अच्छा है बोलबम जाने वालों के लिए। तो ये देख सकते हैं जो कि लिखा हुआ है राउरकेला एयरपोर्ट। तो काफ़ी सुंदर छोटा सा एयरपोर्ट जो कि देखने में आपको लगेगा कोई हिल स्टेशन का एयरपोर्ट है, छोटी सी। तो आप देख सकते हो इस एयरपोर्ट को। तो फ्रेंड यही दिखा रहा था, ये एयरपोर्ट देख सकते हो आप यहाँ पे। और एक चीज़ बता दूँ, नाइट में एक भी फ्लाइट नहीं है। तो फ्रेंड आप ये देख सकते हो बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, जो कि हॉकी स्टेडियम का ये 2 नंबर गेट है जो कि मैं आपको दिखाने आया हूँ। और इस तरफ आप देख सकते हो हॉकी स्टेडियम जो दिखा रहा हूँ आपको, और ये हॉकी स्टेडियम का 2 नंबर गेट। और यहाँ लिखा हुआ भी आप देख सकते हो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला। तो फ्रेंड उस समय तो काफ़ी स्पीड में 15 महीने के रिकॉर्ड तोड़ मेहनत के बाद ये हॉकी स्टेडियम बन के तैयार हुआ था। और इस हॉकी स्टेडियम बनने के बाद इसका रख रखाव होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है जो इस हॉकी स्टेडियम में मैच बराबर होना चाहिए तो मज़ा लगेगा देखने। और ये आप यहाँ देख सकते हो, ये तो देखिए, ये देख सकते हो इंडोर स्टेडियम यहाँ बना हुआ है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, मल्टीपर्पस इंडोर स्टेडियम जो कि काफ़ी बड़ा बना है। उस समय बना नहीं था, अभी बन के रेडी हो गया, ये मैं दिखा दूँ। और ये फ्रेंड मैं आपको बता दूँ राउरकेला का छेंड कॉलोनी में अभी हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। तो नाइट के समय आपको राउरकेला का छेंड कॉलोनी दिखा रहा हूँ। तो ये छेंड कॉलोनी आप देख सकते हैं फ्रेंड आप देख सकते हो, ये फ्रेंड आप देख सकते हैं 3 नंबर गेट अभी पार कर रहा हूँ हॉकी स्टेडियम की। तो ये फ्रेंड आप देख सकते हो अंदर से आपको स्टेडियम का कुछ नज़ारा दिखा रहा हूँ। तो ये फ्रेंड आप देख सकते हो ये हॉकी स्टेडियम जो मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते, यहाँ लिखा है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला, आप देख सकते हैं फ्रेंड। और ये देखिए साफ सफाई तो काफ़ी बढ़िया यहाँ दिख रही है, नीट एंड क्लीन है, लेकिन यहाँ बीच बीच में मैच भी होना चाहिए जो कि हम राउरकेला वाले काफ़ी खुश होंगे मैच देख के। और यहाँ देखिए अल्फा हॉकी लिखा हुआ है ये पोस्टर में आप देख सकते हो। तो ये पता नहीं है, मैं पता करके फिर डिटेल में ब्लॉग बनाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा शायद मैच होने वाली है क्या
कुछ पता नहीं है, कोई तो दिख नहीं रहा है, जो अभी पता करो। तो फ्रेंड आप देख सकते हो इस बिरसा मुंडा इंटरनेशनल स्टेडियम को, जो कि काफ़ी सुंदर अभी इसका आप देख सकते हो बगीचा वगैरह में अरिका प्लांट वगैरह लगाई गई है और काफ़ी सुंदरता से इसे रखा गया है। तो काफ़ी सुंदर और साफ सफाई है और यहाँ मैच भी होना चाहिए, लिखा तो है इस जगह पोस्टर में। और ये अभी हम लोग आ गए बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम इन राउरकेला। और ये अल्फा हॉकी जो कि पोस्टर में आपको दिख रहा होगा, ये कब होने वाला है क्या है इसका बारे में तो पता है नहीं। इधर कुछ है, यहाँ कुछ देखता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। ये क्या है ये? तो फ्रेंड यहाँ से आगे बढ़ते हुए और इधर से आगे बढ़ते हुए आपको दिखा दूँ ये क्या बन रही है। कुछ गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आप देख सकते हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो इसे देख के तो लग रही है गवर्नमेंट का ही प्रोजेक्ट है। तो इस बारे में डिटेल में तो कुछ पता है नहीं, बोर्ड में शायद पता चल जाए तो आपको पता चलती है तो मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड स्टेडियम से आगे बढ़ते हुए अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ और आपको भी दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये मैं हूँ छेंड के एरिए में, तो यहाँ देख सकते हैं काफ़ी मित्रगण बैठे हुए हैं, ये आप देख लीजिए। अरे बाबा रे। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए आपको दिखा रहा हूँ छेंड का, आप देख सकते हो ये छेंड हॉकी स्टेडियम के चलते काफ़ी डेवलप हुई है। और छेंड ही नहीं, हमारे पूरे राउरकेला देख सकते हैं, ये आप देखिए काफ़ी आपको यहाँ पे पेड़ पौधे उस समय लगाए गए थे जो अभी काफ़ी बढ़ गई है और काफ़ी सुंदर दिख रही है हरियाली, पूरा हरा भरा छेंड हो गया है। तो आप देख सकते हो और अभी कुछ नज़ारे आपको मेन रोड का दिखाता हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हो अभी ये छेंड चौक से आगे बढ़ते हुए, और ये आप बोर्ड उड को देख के लगेगा आपको जो कोई बड़ी सिटी में आ गए हो, इतना बढ़िया ये सब हुआ था हमारे राउरकेला में और अभी भी है। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड। और आपको अगर पेट्रोल डीजल लेनी है तो आप हमारे लेफ्ट साइड देख सकते हैं, ये लेफ्ट साइड में छेंड का आप देख सकते हो पेट्रोल टंकी, जो कि काफ़ी अद्भुत आपको नज़र आएगी, देख लीजिए, जो कि इसमें लाइट वगैरह लगाया गया है। और इस तरफ देखिए रोड में, इधर की कुछ लाइटें फ्यूज हो गई है, तो इधर तो अंधेरा हो गई है। आगे दिखाता हूँ, आप बने रहे वीडियो में। ये कलाकृति बनाई गई है और थोड़ी सी आगे बढ़ते हुए आपको मैं दिखा दूँ, और इस रोड से मैं आपको डीएवी पॉन्ड का भी नज़ारा कुछ दिखा देता हूँ, जो कि आपको अगर इसका वीडियो देखना है तो हमारे ब्लॉग में आपको ऑलरेडी पहले से इसका वीडियो है, आपको मिल जाएगी। तो पॉन्ड की आज लगता है लाइट उट बंद है। इस तरफ आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर ये कुछ बनाया गया है स्टैचू वगैरह, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रही है। और अभी आपको मैं हनुमान वाटिका तक दिखाता हूँ या पावर हाउस तक। तो मैं वही सोचा जो आज रात में आपको राउरकेला का रिंग रोड का कुछ टूर देता हूँ, जो अभी जो ये लाइट वगैरह लगी थी जनवरी महीने में, तो कितने लाइट बचे हैं और कितने फ्यूज हो गए, तो वो सारे कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। तो भैया देख सकते हो इस जगह में, देखिए ये रोड के मिडिल में ये कुछ बनाया गया है, जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है। यहाँ पे कितने सारे बड़े बड़े पत्थर को जोड़ के ये काफ़ी सुंदर बनाया गया है। और ये आप देख सकते हो ये राउरकेला में हॉकी का जब मैच चल रहा था उस समय ही ये घड़ी को लगाया गया है, जो कि अभी चालू हालत में है, चल रही है घड़ी, तो देख सकते हैं फ्रेंड। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये देख सकते हो आई लव राउरकेला।